उसपे पढ़ लिया ना 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 ये टीवी उसी का है ना, इसमें चलते हैं ना जो प्रेजेंटेशन वहाँ से होता है, तो वहाँ पे बस वो 2017 में तो कहर बरपा दिया था उसने, मामले लगातार जो है मतलब एक पेज का। हाँ, पुलिस द्वारा मामले का संज्ञान लिया गया है और प्रकरण में विवेचना जारी है, जल्द ही इसमें आरोपी को पकड़ा जाएगा। हाँ, वो नवविवाहिता का है कोई फिगर, तीन तलाक। मैं बोल के ही भेजा नहीं, वो प्रेस नोट नहीं है, वो कुछ और है। एक आध हफ्ते क्या करेंगे, एक आध टीवी पर इसको वो। सर, गौतम नगर में सर एक मामला सामने आया है, एक लाख का पीछे छुपा है, सर क्या मामला है? ये प्रकरण में जो केस डायरी है अन्य जिले से कायमी होकर प्राप्त हुई है नगरी पुलिस भोपाल में, प्रकरण में जो विषय वस्तु है उसमें धारा 376 और तीन तलाक के संबंध में धाराएं लगी है। पुलिस द्वारा डायरी प्राप्त करके उसकी प्रारंभिक विवेचना प्रारंभ की गई है और जो भी साक्ष्य इसमें संकलन में आएंगे उस अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया? जो निर्देश कुछ दिन पूर्व प्राप्त हुए थे उसके जो हमने कार्रवाई करी है उसमें जितनी भी ऐसे चिन्हित स्थान हैं जहां पर महिलाओं द्वारा ये शिकायत की गई है कि शराब पीकर विवाद होता है या शाम के समय विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वहां पर सभी जोन्स में चारों डीसीपीज द्वारा विशेष दल का गठन किया गया है। इस दल के द्वारा जो है इन क्षेत्रों में जाकर जो महिलाएं हैं उनका शक्ति समूह बनाया गया है। पुलिस विभाग की जो ऊर्जा डेस्क की योजना है उसमें पूर्व से ये प्रावधान है और जो शक्ति समूह बनाया गया है ये पुलिस के साथ में मिलकर ऐसे स्थानों पर ये जागरूकता के लिए काम करेगा तथा जो लोग विवाद करते हैं या घरेलू हिंसा में शामिल रहते हैं उनके विरुद्ध सूचना भी देगा और कार्रवाई भी सुनिश्चित कराएगा। पुलिस द्वारा ऐसे स्थानों पे शाम के समय विशेषकर चेकिंग प्रारंभ की गई है जिसमें ब्रेथ एनालाइजर और अन्य जो उपकरण हैं उनका उपयोग करके सार्वजनिक स्थान पे शराब पीने वाले और जो अन्य सार्वजनिक स्थान पे विवाद करते हैं उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है और इससे उम्मीद है कि इन क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बन पाएगी और जो घरेलू विवाद होते हैं उसमें भी कमी आएगी। शक्ति दल की प्रारंभिक बैठकें ले ली गई हैं, उनको जो सदस्य हैं उनको बताया गया है कि किस प्रकार वो सहयोग करेंगे। कुछ पूर्व से भी जो एनजीओ इस क्षेत्र में काम करते हैं डी एडिक्शन के या पुलिस के साथ सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता के लिए वो भी आगे आए हैं और इन सबको कार्य के लिए बताया गया है और वो कल शाम से ही प्रारंभ कर दिया गया। सर, थाने में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। जो हत्या है वो पति के द्वारा ही की गई है महिला की और इसमें जो शुरू में पुलिस को गुमराह करने के लिए ये बताया गया किसी बीमारी से ग्रसित थी महिला और लेकिन जब पीएम रिपोर्ट आई और उसमें ये जानकारी का खुलासा हुआ कि गला दबने से मृत्यु हुई है महिला की, पुलिस द्वारा जो संदिग्ध प्रकरण में थे पूछताछ की गई उससे ये प्रकरण का खुलासा हुआ है, वर्तमान में विवेचना जारी है। हाँ, चूँकि हाँ वो रिकॉर्ड में सभी में इसको जो है गिरफ्तार किया गया है पूर्व के जो अपराध हैं और चूँकि ये अन्य दूसरे जिले का रहवासी है तो सामान्यतः जिस जिले के रहवासी होंगे वहाँ पे लगातार क्रिमिनल्स की जो चेकिंग होती है उसमें भी इस तरह की वारदातों का खुलासा होता है और अभी भी वर्तमान में भी 10 वारदातें हुई है जिसका इजाफा उसके अभी के आपराधिक रिकॉर्ड में भी होगा, तो जो भी वारदातें हुई हैं पुलिस ने इसको पकड़ के उनमें खुलासा किया। सर, इसका जो आपराधिक रिकॉर्ड है सर ये जो तीन अलग से सर क्या अल्टरनेट लड़के रहते थे कि सर यही लड़के और भी वारदातों में जो तीन
ये तीन का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उससे यही पता लगता है कि तीन नए सदस्यों को गैंग में लिया गया है और वारदात की गई। कोलार में काफ़ी दिनों से जो चोरियां हो रही थी उसमें पुलिस द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम द्वारा लगातार प्रयास करके एक शातिर गिरोह को पकड़ा गया है। गिरोह जो है काफ़ी लंबे समय से वारदातें कर रहा था और उनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है वहाँ पर भी काफ़ी तादाद में इन्होंने आपराधिक मामले घटित किए हैं। वर्तमान में गिरोह के द्वारा अभी तक लगभग 10 जो है मामलों का खुलासा हुआ है, जिसमें 10 लाख से भी अधिक का मशरूका, जिसमें सोने चांदी के जेवरात, वाहन और अन्य सामग्री शामिल हैं। गिरोह के 4 सदस्य हैं। पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार करके पूछताछ करने के पश्चात माल मशरूका प्रकरण में जब्त किया गया है। वर्तमान में गिरोह के अगर कोई अन्य सदस्य हैं या कहीं अन्य जिलों में इनके द्वारा कोई वारदात घटित की है तो उसके संबंध में भी पुलिस जानकारी प्राप्त करेगी, प्रकरण की विवेचना जारी। सर, ये आरोपी कहाँ के हैं और किस तरह से ये वारदात को अंजाम दे? ये मंडीदीप के रहने वाले हैं आरोपी, और जो इनका मुख्य इसमें सरगना है वो उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। काफ़ी तादाद में चोरी नकबजनी के अपराध उसके विरुद्ध पंजीबद्ध हैं पूर्व से। उसके द्वारा 3 अन्य सदस्यों के साथ में मिलकर ये सारी वारदातें की हैं, जो चूँकि अन्य जिले की सीमा से ये आकर वारदातें करके वहीं वापस निकल जाया करते थे, इसलिए इस आधार पर पुलिस को भी संदेह हुआ और चेकिंग करके इनकी पतारशी करके पुलिस ने ये गैंग को पकड़ने में सफलता पाई है। और जो 10 मामले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण, जो मामले काफ़ी समय से पेंडिंग थे उसमें खुलासा हुआ। अभी तक अन्य 3 का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है। जो मुख्य सरगना है उसके बारे में आपराधिक रिकॉर्ड का पता चला है। अन्य जिलों को भी, विशेषकर जिन जिले के रहवासी हैं वहाँ पे भी इनके संबंध में जानकारी दी गई है। अगर कहीं पे थाना क्षेत्रों में रिकॉर्ड होगा तो वो जानकारी। ये गैंग के रूप में ही कार्य कर रहे थे, ये चारों जो हैं जितनी वारदातें हुई हैं उसमें ये गैंग के रूप में ही साथ में कार्य कर रहे थे। और पूर्व के भी जो आपराधिक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो उसमें भी कुछ लोगों के साथ में अन्य आरोपी के मिलके ही ये वारदात की हैं। और सामान्यतः दूसरे अन्य जिलों की सीमा में जाके जब वारदात करते हैं तो एक पूर्व नियोजित तरीके से प्लानिंग करके योजनाबद्ध उसको किया जाता है, जिसमें एक से अधिक जो है आरोपी शामिल रहते हैं। तो ये भी एक गैंग के रूप में ही कार्य कर रहा था और पुलिस ने गैंग को पकड़ने में सफलता पाई। ये जो कुछ में माल मशरूका गया है, सोने चांदी के जेवरात गए हैं, ये रेकी करते थे, जो भी सोने मकान हैं, और रेकी करने के पश्चात वहाँ पे योजनाबद्ध तरीके से सोने मकानों में ये नकबजनी करते थे, और कुछ वाहन और ये भी इनसे जब्त हुआ है जो सार्वजनिक स्थान से इन्होंने चुराया। सर, ये पुलिस की नाकामी नहीं है? एक व्यक्ति 23 साल का है और कोलार के पुलानी में 33 जो है।